आज शुरुआत नमस्कार से नहीं करूंगा, बहुत भावुक हूं, बहुत गुस्से में हूं, बहुत संकल्प में हूं। मेरे दाएं हाथ में दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके तहत सज्जन कुमार समेत 6 लोगों को 84 के दंगों में सजा हुई है। मेरे बाएं हाथ में ब्यौरे हैं, कुछ नाम लिखे हैं, कुछ बहादुर लोगों के नाम, कुछ क्रूर लोगों के नाम। आज इन सब की कहानियां सुनाऊंगा। इनका शीर्षक आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रख सकते हैं, गंभीर हैं तो मानवता के खिलाफ अपराध, जैसा कोई टाइटल, जैसा कोर्ट ने कहा। गंभीर हैं मगर नाम ही याद रहते हैं तो जगदीश कौर तुझे सलाम, या फिर जगदीश कौर तुमने पति और बेटे की चिता घर में क्यों सजाई, या फिर जगदीश कौर चिता की लकड़ी तुम्हारे अपने घर का बचा टूटा फर्नीचर क्यों था, या फिर निर्मल सिंह तुम्हें तुम्हारे परिचित स्कूटर पर क्यों ले गए, या फिर निर्मल सिंह तुम 2 बार नाले में क्यों कूदे, या फिर निर्मल सिंह तुम्हें 3-3 बार आग क्यों लगाई गई, या फिर कुछ भी नहीं। 84 एक साल, एक दाग, एक सबक। 84 जिस साल सिर्फ दिल्ली में 2733 सिख मार दिए गए, सिर्फ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, और उनमें से 5 लोगों के कत्ल के मामले में 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। विद्वान न्यायाधीश एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल ने फैसला सुनाया जिसमें कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार समेत 6 लोगों को सजा सुनाई गई। सज्जन कुमार 31 दिसंबर तक कोर्ट में सरेंडर करे और पूरी जिंदगी बामशक्कत कैद काटे। क्या खास बात है इस सजा की? जिन 5 लोगों को 2013 में सेशन कोर्ट ने सजा दी थी उनके साथ A1 यानी एक्सक्यूज्ड 1 यानी आरोपी 1 को भी सजा सुनाई गई, और ये A1 है सज्जन कुमार। उसका अपराध कत्ल, दंगा, आगजनी, धार्मिक स्थल की बेअदबी, भीड़ को उकसाने जैसी कई धाराओं में सजा, उम्र कैद की सजा। लेकिन ये सब एक वाक्य जैसा नहीं, एक बयान जैसा नहीं। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, सब पार्टियों के बयान बता दूं, इल्जाम बता दूं, सफाई बता दूं और उसके असर का रास्ता दिखा दूं, राजनीति बता दूं, या फिर दूसरा रास्ता जहां मैं आपको बयान तो सुनाऊं मगर खद्दरधारियों के नहीं, 2 औरतों के, एक आदमी का, जिनके नाम है जगदीश कौर, जगशेर सिंह और निरप्रीत कौर। 2 केसेस में सजा सुनाई गई। पहला पालम कॉलोनी के राजनगर पार्ट 1 इलाके में 1 और 2 नवंबर को हुई 5 सिखों की हत्या का मामला, और दूसरा राजनगर पार्ट 2 का गुरुद्वारा जलाए जाना। अब दूसरे की कहानी पहले सुनिए जिससे एक तीसरे केस का रास्ता निकलता है, मगर उसका जिक्र भर होगा क्योंकि उस कत्ल के मुजरिम का नाम अभी कोर्ट ने नहीं उचारा है। अब आप जो सुनेंगे वो निरप्रीत कौर का बयान है, एक हादसे का जिसके घटते वक्त वो 16 साल की थी। बयान जिसे सीबीआई ने और फिर हाईकोर्ट ने सही माना, और उसके पहले पूरी बेशर्मी के साथ दिल्ली पुलिस के अलग अलग सेल्स ने नहीं सुना, नहीं माना। बयान जो PW10 के नाम से दर्ज है, प्राइम विटनेस 10। 31 अक्टूबर की शाम बलवान और किशन खोकर, ये सज्जन कुमार के रिश्तेदार हैं, निर्मल सिंह यानी निरप्रीत के पापा के घर आए। निर्मल का आनंद निकेतन में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस और टैक्सी स्टैंड था। बलवान बोला कि किशन को ड्राइवर रख लो। निर्मल ने कहा अभी जगह नहीं, आगे होगी तो खबर करेंगे। ये 31 की शाम हुआ। अब 31 की रात होती है, 1 नवंबर की सुबह होने को है, 3:30 बजे का वक्त। राजनगर गुरुद्वारे का ग्रंथी आता है निर्मल के घर, जो गुरुद्वारे के अध्यक्ष भी थे। ग्रंथी बताता है कि पुलिस आई है गुरुद्वारे में, निर्मल और उनकी पत्नी संपूर्ण कौर गुरुद्वारे जाते हैं। पता चलता है कि सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को यहां तैनात किया गया है। सुबह 16 साल की निरप्रीत गुरुद्वारे जाती है शब्द कहने, और तब देखती है कि पुलिस वाले वहां मौजूद हैं, और देखती है कि पुलिस वाले मौजूद होने के बाद चले गए, अब मौजूद नहीं है। कुछ घंटे के बाद बलवान खोकर और महेंद्र यादव के नेतृत्व में भीड़ गुरुद्वारे पर हमला करती है, नारे लगाती है इंदिरा गांधी अमर रहें, इन सरदारों को मारो, इन्होंने हमारी मां को मारा है। यह आवाज सुनकर निरप्रीत और उसका भाई निर्मोलक गुरुद्वारे की तरफ भागते हैं अपने घर से। उन्हें डर था कि कहीं गुस्साई भीड़ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी ना कर दे। वो गुरु घर नहीं पहुंच पाए, भीड़ ने उन्हें देख लिया, ललकारा, वो वापस घर की तरफ भागे। महेंद्र यादव चीखा और बोला इन्हें भी मारो, ये सांप के बच्चे हैं। बच्चे अपने घर घुसे, निर्मल सिंह ने गेट बंद कर लिया, भीड़ बाहर से हमला करने लगी। निर्मल और उनके पड़ोसी हरबंश घरों से बचाव करने लगे। 2-3 घंटे ये चला, फिर पुलिस पहुंची। कुछ घंटों के बाद बलवान और किशन खोकर और महेंद्र यादव भी पहुंचे।
समझौते की बात करने लगे। निर्मल सिंह ने इनकार कर दिया। पुलिस वाले पहुंचे, उन्होंने भी दबाव डाला और फिर गुरुद्वारे के बाहर जमा सिखों के कृपाण पुलिस ने ले लिए। फिर पुलिस चली गई। फिर चले गए निर्मल बलवान और महिंदर के साथ स्कूटर पर समझौते की बात करने, सुलह की बात करने। लेकिन कोई 101 मीटर के बाद बलवान ने धनराज की दुकान के पास स्कूटर रोक दिया। वहां भीड़ पहले से मौजूद थी। बलवान भीड़ से बोला, मैं आखिरी सिख को भी ले आया हूं। निर्मल सिंह को घसीट लिया गया, केरोसिन ऑयल से नहला दिया गया, मगर माचिस नहीं मिली। वहां पुलिस इंस्पेक्टर कौशिक मौजूद था। वो चीखते हुए बोला, डूब मरो, तुमसे एक सरदार भी नहीं जलता। कौशिक ने किशन खोकर को माचिस दी, उसने निर्मल सिंह को आग लगा दी। भीड़ छटने लगी। निर्मल पास के नाले में कूद गया। भीड़ को समझ आया कि यह जिंदा है। भीड़ ने फिर पकड़ा और इस बार रिटायर्ड कैप्टन भागमल ने उसे टेलीफोन पोल से बांध दिया, फिर आग लगा दी। निर्मल रस्सी जलने के बाद फिर नाले में कूदा। भीड़ से फिर कुछ लोग लौटे। बलवान खोकर ने निर्मल को रॉड से पीटना शुरू कर दिया और महिंदर ने उसके ऊपर सफेद पाउडर यानी कि फास्फोरस छिड़कना। वो छटपटाने लगा, वो जलने लगा। फिर कोई चीखा, ये निर्मल नहीं था, ये भीड़ थी, और बोली कि इसके परिवार को भी खत्म करो। निर्प्री दूर से बेबस सब देख रही थी। वो घर की तरफ चीखते हुए भागी। उसकी मां संपूर्ण बेहोश पड़ी थी, उसका घर जल रहा था। पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे। तब एयरफोर्स में काम करने वाले संतोख सिंह संधु की मदद से परिवार एयरफोर्स की गाड़ी में बैठ पालम एयरफोर्स स्टेशन की तरफ भाग गया। निर्मल सिंह के कत्ल के मामले में अभी फैसला नहीं आया है। आज के फैसले में सिर्फ गुरुद्वारा जलाने वाला मामला शामिल है। अब आगे की बात आप जगदीश कौर के बयान के आधार पर सुनेंगे, कागजों में जिनका नाम PW1 भी दर्ज है, प्राइम विटनेस 1। जगदीश कौर जिनका पति मरा, बेटा मरा, 3 भाई मरे, कुल 5 कत्ल और कुल यही 5 लाशें मिली कैंट थाने में मरे 300 ज्यादा लोगों में से। इन्हीं 5 का पोस्टमार्टम हुआ कैसे? फौज की मदद से। और इन्हीं के बयान के आधार पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को आज उम्र कैद की सजा हुई है। सुनिए जगदीश का बयान जिसे CBI और कोर्ट ने सही माना। 1 नवंबर 1984 केहर सिंह और उनकी पत्नी जगदीश कौर का घर शिव मंदिर पार्क स्थित। आसपास के लोगों ने कहा पुरुष बाहर न जाएं। केहर के बड़े बेटे गुरप्रीत की सलाह पर जगदीश अपने छोटे बेटे और 3 बेटियों के साथ पड़ोसी राम अवतार शर्मा के घर चली गई। वहां पर उनके मामा का बेटा जगशेर भी छिपा मिला। दोपहर 2 बजे भीड़ ने हमला किया जगदीश के घर। उनके पति केहर सिंह का सर कुचल दिया, वो वहीं जमीन पर गिर गए। गुरप्रीत घायल हुआ, दौड़ा, भीड़ ने फिर पकड़ा और गली में उसे आग लगा दी। इस भीड़ में बलवान खोकर मौजूद था जिसे आप गुरुद्वारे वाले प्रकरण में सुन चुके हैं। जगदीश कौर ने बेटे गुरप्रीत का शव अपने भाई जगशेर की मदद से खाट पर लिटाकर घर में रखा। फिर वो पुलिस स्टेशन गई। ASI बोला, भाग यहां से, अभी तो और मारेंगे, जब सब मर जाएंगे तो जो कुछ होगा सब इकट्ठा होगा। शाम 6 बजे जगदीश वापस लौटी। भीड़ के डर से पड़ोसी राम अवतार ने उसके बच्चों को भी बाहर निकाल दिया था। जगदीश अपने 4 बच्चों के संग छत पर चली गई। रात भर कंबल के नीचे दुबकी, प्रार्थना पढ़ती हुई। फिर आती है 2 नवंबर की सुबह। भीड़ अब ठेकेदार की खोज में थी। उसी इलाके का एक सिख परिवार जो फौज के कामों में ठेकेदारी करता था। ये परिवार था जगशेर के भाई का परिवार, जगदीश के भाई का भी परिवार, नरिंदर, रघविंदर और उनका कजिन कुलदीप। तीनों रात भर से छिपे थे। सुबह 7:30 बजे तीनों गली में कूदे और भागने लगे। धर्मवीर ने देख लिया। धर्मवीर एक दिन पहले केहर सिंह के घर पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा था। उसने शोर मचाया, ठेकेदार भाग रहा है। कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल ने सुन लिया। भीड़ लेकर पीछे दौड़े नरेंद्र को लाठी मार गिराया और फिर जला दिया। रघुविंदर और कुलदीप को भीड़ पीटते हुए साथ ले गई। सुबह 9 बजे जगदीश कौर फिर मंगलपुरी पुलिस पोस्ट पहुंची। देखा उसके पास ही एक सभा हो रही थी। इसमें सज्जन कुमार लोकल कांग्रेस MP बोल रहा था। क्या बोल रहा था? सिख साला एक नहीं बचना चाहिए, जो हिंदू भाई उनको शरण देता है उसका घर भी जला दो और उसको भी मारो। पुलिस वाले सभा में मौजूद एक आदमी से पूछ रहे थे, कितने मुर्गे भून दिए? जिन मुर्गों का जिक्र हो रहा है वो जिंदा इंसान थे। अब सुनिए 2 के बाद तीसरे गवाह PW6 यानी कि जगशेर सिंह का बयान, जिसके 3 भाइयों का कत्ल हुआ। 1 नवंबर की सुबह भीड़ नारे लगा रही थी, इन सिखों को मारो, इन गद्दारों को मारो, हिंदुस्तान में एक सिख भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जगशेर एक घर में छिपा था। वहीं खिड़की से उसने केहर और गुरप्रीत को मरते देखा।
केहर उसका जीजा था और गुरप्रीत उसका भांजा उसकी बहन जगदीश के नाते से। भीड़ शाम को लौटी ठेकेदार यानी जगशेर के भाइयों के घर। गेट तोड़ा, अंदर झांका, घर खाली मिला तो तोड़फोड़ कर कुछ लौट गई। रात 10 बजे जगशेर जहां छिपा था यानी राम अवतार शर्मा का घर, वहां से निकला। शिव मंदिर मार्ग के मोड़ पर उसे एक सफेद एम्बेसडर नजर आई, सज्जन कुमार उसमें बैठा था। 30-40 लोग घेरे खड़े थे। सज्जन ने पूछा काम पूरा हुआ कि नहीं। फिर सज्जन खुद नरेंद्र पाल उस ठेकेदार के घर तक गया देखने। लौट कर बोला तुम लोगों ने तो सिर्फ उसके घर का गेट तोड़ा है। भीड़ में कोई बोला हिंदू ही बचा रहे उसे। सज्जन बोला उन हिंदुओं के घर भी जला दो। सज्जन के जाने के बाद भीड़ ने फिर से ठेकेदार के घर हमला किया, मोटरसाइकिल और स्कूटरों में आग लगा दी, घर में भी। इसके चलते ऊपर से गुजरते बिजली के तार भी जलने लगे और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। भीड़ ने घूम घूम कर हिंदुओं मसलन राम अवतार शर्मा को हड़काया और नजर बनाए रखी। गलियों में पहरेदारी जारी रही। 2 नवंबर की सुबह 5 बजे राम अवतार कार लाया। उसने सोचा ठेकेदारों को बचा लेंगे, तीन भाई जगदीश कौर और जगशेर सिंह के, मगर भीड़ की हलचल जारी थी। फिर शर्मा ने मजबूरी में जगशेर से कहा तुम भी जाओ वरना मेरा परिवार नहीं बचेगा। जगशेर गली की तरफ बढ़ा, वहीं जहां गुरप्रीत मारा गया था एक दिन पहले। अब उसे क्या दिखा, भीड़ एक आदमी को दौड़ा रही थी। वो आदमी शॉल लपेटे भाग रहा था, सिख था। भीड़ ने उसे पकड़ा, पीटा और जला दिया। भीड़ छटी तो जगशेर उस जलते बुझते आदमी के पास पहुंचा। वो उसका भाई नरेंद्र पाल सिंह उर्फ ठेकेदार था। जगशेर ने नरेंद्र के हाथ पर बंधी कलाई घड़ी से अपने भाई को पहचाना। जगशेर की चिंता अपने बाकी बचे 2 भाई थे, रघुविंदर और कुलदीप। वो गली गली भागता पालम कॉलोनी के रेलवे गेट और फिर वहां से गोपीनाथ बाजार पहुंचा। फिर पहुंचा मेजर धनराज यादव के पास। जगशेर के भाई मेजर धनराज के साथ काम करते थे। मेजर धनराज ने भाइयों की बात सुनी तो जगशेर के साथ चल दिए गाड़ी लेकर, जिसमें 7-8 सिख रेजिमेंट के जवान थे। ये सुबह 10 बजे नरेंद्र के घर पहुंचे, वहां कोई नहीं मिला। राम अवतार ने बताया तेरे दोनों भाइयों को भी मार दिया दादा छतरी वाला रोड पर। मेजर और जगशेर वहां पहुंचे, वहां रघुविंदर और कुलदीप की लाश पड़ी थी। जलने से बचे कुछ कपड़ों के टुकड़ों से भाई की पहचान हुई। जगशेर ने अपनी भाभियों उनके बच्चों को जो एक घर में छिपे थे मेजर यादव की कार में बिठाया। केहर की पत्नी जगदीश, उनका छोटा बेटा और 3 बेटियों को भी बिठाया। ये सब परेड ग्राउंड के स्टेशन चले गए। ये लोग मेजर यादव के घर 2 दिन रुके, एक को छोड़कर जगदीश कौर। वो वापस लौटी 2 नवंबर की शाम को ही लौटी अपने रिहायशी इलाके। फिर पुलिस स्टेशन पहुंची तो पाया पुलिस केस लिखने को राजी नहीं है। घर पहुंची तो देखा पड़ोस के खंबे पर 1000 वाट का बल्ब लगा दिया गया है ताकि कोई छिप ना पाए। जगदीश उल्टे पांव लौट आई, मेहरौली रोड की तरफ जाने लगी। वहां कुछ लोग आग ताप रहे थे। उसने ओम प्रकाश का पूछा जो उसके पति के साथ काम करता था। उस रात वो ओम प्रकाश के घर रुकी। 3 नवंबर की सुबह जगदीश फिर लौटी। उसके घर की लूट अभी जारी थी। उसने मोड़ पर कुछ घंटे इंतजार किया, लुटेरे घर से सामान ले गए और जो 2 लाशें उसके पति और बेटे की थी अंदर रखी थी वो भी बाहर फेंक गए। तब जगदीश घर पहुंची। उसने आसपास के लोगों की मदद से पति और बेटे का अंतिम संस्कार किया घर में ही। घर के टूटे लुटने से बचे या लुटने लायक न रह गए सामान से, फर्नीचर से चिता जल गई। फिर पुलिस उसे थाने ले गई, तुरंत फुरंत बयान रिकॉर्ड किया। वहां एयरफोर्स के अफसर भी मौजूद थे। कुछ सादा कागजों पर जगदीश से दस्तखत करा लिए गए। फिर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले ने धमकाते हुए कहा होश में तो हो, जिन आदमियों के नाम लिखवा रही हो जितने शक्तिशाली हैं बाकी परिवार कहां ले जाओगी। वो कहीं नहीं ले गई। वो 12 दिसंबर को दिल्ली छोड़कर पंजाब चली गई और पीछे से पुलिस उसके फर्जी बयान लिखती रही, लिखवाती रही और ट्रायल कोर्ट में केस के नाम पर तमाशा करती रही। कुछ नहीं किया पुलिस ने। सरकार ने क्या किया, राजीव गांधी की मरवाहा कमेटी बनी, उसके सामने बयान हुए। फिर रंगनाथ मिश्रा आयोग आया, उसने कमेटी के सामने जो बयान दर्ज हुए थे उनकी तस्दीक तक नहीं की, उनको संज्ञान में नहीं लिया। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी। 1985 में जगदीश कौर ने एफिडेविट दिया था, बयान दिए थे, लेकिन पुलिस और प्रोसिक्यूशन की लापरवाही सब बच गए। 1986 में एक बरस के अंदर फिर बनी जैन अग्रवाल कमेटी, उसने कहा कि केहर सिंह नरेंद्र सिंह आदि की मौत की जांच होनी चाहिए। फिर बना जस्टिस नानावती आयोग अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2000 में। इसने 9 फरवरी 2005 को रिपोर्ट सौंपी जिसमें जगदीश कौर, निरपीत कौर, संपूर्ण कौर के बयान लिए गए। नानावती आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रत्यक्षदर्शियों ने सज्जन कुमार के पालम कॉलोनी, तिलक विहार जैसे कई दंगों में शामिल होने का इल्जाम लगाया है और पुलिस ने पीड़ितों के बयान तक दर्ज नहीं किए। कमीशन ने पाया कि कई मामलों में नाम के बाद भी सज्जन कुमार पर चार्जशीट तक नहीं हुई। कमीशन ने अनुशंसा की कि सरकार उन सब मामलों की जांच कराए जिसमें आई विटनेस सीधे तौर पर सज्जन कुमार का नाम ले रहे हैं।
लोकसभा और राज्यसभा में इस कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। सरकार ने पहले तो बेशर्मी से इस तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया, लेकिन सदन में हंगामा मचा तो प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया जिनके नाम है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई की शुरुआत हुई अक्टूबर में सीबीआई की जांच से। जांच में 3 लोग निशाने पर थे, धर्मदास शास्त्री, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार। उसी में से एक मामले में अब नतीजा आया है। सीबीआई ने चार्जशीट तैयार की, इसे तैयार किया दो बहादुर अफसरों ने, एडिशनल एसपी सीबीआई मनोज पंगारकर और डिप्टी एसपी सीबीआई अनिल कुमार यादव। ये दाखिल हुई 2010 में, सेशन कोर्ट का फैसला आया 2013 में, जिसमें सज्जन कुमार बरी हुए, बाकी को सजा हुई। सीबीआई ने ऊपर अपील की। सुनिए कोर्ट का क्या तर्क था सज्जन कुमार को बरी करने के पीछे। सेशन कोर्ट के तर्क थे कि PW1 यानी कि जगदीश कौर की गवाही सज्जन कुमार के बारे में जो है वो सुनी सुनाई है, उस पर यकीन नहीं किया सकता। कई तर्कों के आधार पर सज्जन को छोड़ा गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने ये सब उलट दिया और जगदीश कौर के हर बयान को, निर्पीत के हर बयान को सच माना। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भीड़ ने प्लानिंग कर हमला किया था, सिखों के घरों की पहचान की थी, ज्वलनशील पदार्थ जुटाए थे, और ये भी कहा कि रणनीति थी कि सिख पुरुषों को जला दो, घरों को जला दो, ताकि औरतें और बच्चे बेसहारा हो जाएं। सज्जन कुमार पर भी कोर्ट ने लगे सारे आरोपों को सही माना और उन्हें सब मामलों में सजा दी है। भड़काऊ भाषण, कत्ल, आगजनी, दंगा और इन सब के बारे में सज्जन कुमार लपेटे में आए हैं। सब आएंगे जिन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, सांप्रदायिक हिंसा की है, क्योंकि हम, हमारा समय और हमारे देश का संविधान सब सारी पीड़ितों के साथ है, हर जगदीश कौर के साथ है।